इस वक्त की बड़ी खबर आ रही राजधानी लखनऊ से, जो आलमबाग बस टर्मिनल के कैश कार्यालय में तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी भूतपूर्व सैनिक एजेंसी के गार्ड मुशर्रफ अली की लापरवाही के चलते उसकी बंदूक से हुआ एक फायर। बंदूक से निकली गोली कार्यालय में कैबिन से लगे शीशे से टकराई, शीशा टूटा और शीशे के टुकड़े कैबिन में बैठे सहायक कैशियर रमेश चंद्र शर्मा के शरीर में कई जगह घुसे। इस घटना के बाद आलमबाग बस टर्मिनल में मच गया हड़कंप। आनन फानन में लहूलुहान घायल सहायक कैशियर को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची आलमबाग थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुशर्रफ अली को दो नाली बंदूक से गोली चलने की उसकी पुष्टि की। बता दें कि घटना आज दोपहर 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मौके पर आलमबाग की पुलिस मौजूद फॉरेंसिक टीम द्वारा की जा रही है जांच पड़ताल। मौके पर आलमबाग कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर महादेवन ने बताया कि घायल सहायक कैशियर का सिविल अस्पताल में करवाया जा रहा है इलाज।